सो लेट्स स्टार्ट। सिंस और फॉर का प्रयोग अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। सिंस एंड फॉर का प्रयोग, ठीक है। सिंस एंड फॉर का प्रयोग प्रयोग कब किया जाता है वो देखेंगे। चलो जब आप ही लिखना शुरू करो। समय को से जुड़ता है, समय को से, जब समय को से जुड़ता है, ठीक है, तब हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। समय को से जुड़ता है। नंबर टू, पहले आप लिखो, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अगर निश्चित समय को अगर निश्चित समय को से जुड़ता है तब हमें सिंस का प्रयोग करना है। अगर निश्चित समय को से जुड़ता है, अगर निश्चित समय को से जुड़ता है तब हमें सिंस का प्रयोग करना है। हमें सिंस प्रयोग करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर अनिश्चित समय को से जुड़ता है, निश्चित जुड़ता है तो अनिश्चित समय को से जुड़ता है तब क्या करना है, हमें फॉर का यूज करना है। फॉर का यूज करना है, उसके बाद और एक पॉइंट लिखो, लेकिन कुछ समय ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ समय समय ऐसे आते हैं कुछ समय ऐसे आते हैं तो अनिश्चित होते हैं, तो क्या अनिश्चित अनिश्चित आते हैं, राइट। वहाँ फॉर की बजाय सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ फॉर की जगह सिंस का इस्तेमाल
करना पड़ता है, ठीक है, उन्हें हम अपवाद कहते हैं, उन्हें हम अपवाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सिंस और फॉर अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और निश्चित के लिए, देखेंगे अभी निश्चित अनिश्चित क्या है, निश्चित के लिए सिंस का रहे, निश्चित समय, ठीक है। अब बोलना है अगर मान लो 2010 से, टाइम फिक्स है 2010 बोला गया, सिंस 2010, तो ये क्या है ईयर के केस में हो गया, सही है। और सिंस जून, सिंस जून, जून से, ये मंथ का केस हो गया। अभी डे का केस लेते हैं, सिंस मंडे, ठीक है, सोमवार से, डे मंथ ईयर हो गया। अभी आर का केस लेते हैं, सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock 7 बजे से, ये आर का एग्जांपल आ गया, ठीक है। तो एक निश्चित है सिंस 7 o'clock, सिंस मंडे, अनिश्चित का एग्जांपल कैसे 10 साल से, अब कौन से 10 साल है, फॉर 10 years वो नहीं पता, 2 महीने से, कौन से 2, जनवरी फरवरी या कौन से 2 महीने से, फॉर 2 months, फॉर 2 months, 3 दिन से, फॉर 3 days, 2 घंटे से, फॉर 2 hours, ठीक है। अब 2005 में इन 2005, मार्च में इन मार्च, ठीक है। सो इसके कुछ एक्सेप्शंस अपन देखते हैं। सो 2005 में, सो इन 2005, यहाँ भी फॉर भी नहीं है, सिंस भी नहीं है, और मार्च में, इन मार्च, एक्सेप्शन देख लेते हैं अभी, इन रूल का एक्सेप्शन, यानी कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा, अपवाद, ठीक है। सुबह से, दोपहर से, शाम, राम, रात से और शाम से, शाम से, रात से, इसमें सिंस एंड फॉर का प्रयोग, सिंस का ही प्रयोग होता है, बचपन से, बचपन से। सो अपवाद भले ही निश्चित या अनिश्चित हो, भले ही निश्चित, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है, भले ही, सुबह से,
ना तो फॉर आया ना तो न फॉर नहीं आया ना, तो ये सिंस आएगा। सिंस यहाँ भी दोपहर में भी सिंस आएगा, शाम में भी सिंस आएगा, रात में भी सिंस आएगा एंड बचपन में भी सिंस आएगा। तो मॉर्निंग के लिए क्या हुआ? मॉर्निंग सुबह के लिए मॉर्निंग, दोपहर के लिए आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून राइट, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट NIGHT, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो हमने देख लिए एक्सेप्शंस वगैरह भी देख लिए, सिंस पर का यूज भी देख लिया। ठीक है, थोड़ा अभी रिवाइज कर लेते हैं। सिंस का प्रयोग वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है, सही है ना, निश्चित समय हमने देख लिया। फॉर का प्रयोग वाक्य में अनिश्चित समय बताने के लिए, अर्थात समय की कुल अवधि ड्यूरेशन के लिए भी किया जाता है। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ड्यूरेशन के लिए भी फॉर यूज होता है एंड अनिश्चित समय के लिए भी फॉर यूज होता है। यूज ऑफ सिंस इन हिंदी, सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, अर्थात जब निश्चित समय किस घड़ी किस दिन किस साल शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट राइट, सिंस ऐसा दिया रहे, अगर ऐसा दिया रहता है लाइक किस साल, लाइक 1925, 1975, किस साल सिंस, जब निश्चित समय किस घड़ी, ये किस घड़ी सिंस टू एम, किस दिन सिंस मंडे, किस दिन सिंस मंडे, किस घड़ी हो गया सिंस 2 AM, किस दिन हो गया सिंस मंडे, किस साल सिंस 1979, शुरू होने का समय स्टार्टिंग पॉइंट राइट, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस जनवरी जनवरी से, सिंस 2 AM 2 बजे से, सिंस 1979 से। वो 19 एग्जांपल अपन देख लेते हैं, वो 1976 से इस मकान में रह रहा है, सो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1976। हमने सिंस फॉर इसलिए देखा है क्योंकि ये अभी हम जो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए हमने पहले ही सीखा। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है, वो अपन अभी देखेंगे। यहाँ पे बस आपको ये करना है कि सिंस 1976 राइट, सिंस 1976 सिर्फ यही आपको नोट करना है। राजेश 6 बजे से खेल रहा है, राजेश हैज बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock। ठीक है, यहाँ टाइम निश्चित है, तुम 5 बजे से गाना गा रहे हो, टाइम निश्चित से सिंस 5 o'clock। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लाइन। सोनाली 4 बजे से टीवी नहीं देख रही है, सो 4 बजे से फिक्स है, इसलिए सिंस 4 o'clock। ठीक है, इस हिसाब से अपन देखेंगे। और फॉर का यूज कब होना है? यूज ऑफ फॉर का प्रयोग अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जब अवधि कितने देर से कितने समय से दिया रहे, लाइक फॉर अ मिनट, फॉर 4 डेज 4 दिन में, 4 दिन से, फॉर अ मिनट 1 मिनट से, फॉर अ वीक 1 हफ्ते से, फॉर 4 मंथ्स 4 महीने से, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत पहले से, फॉर मेनी डेज कई दिनों से, फॉर एन आवर 1 घंटा से, फॉर 10 मिनट 10 मिनट से, मतलब फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम कितना पीरियड के लिए किया जाता है। ठीक है, जब अवधि कितने देर से दिया रहे, सो उदाहरण के लिए चपरासी 5 घंटे से घंटी बजा रहा है राइट, द पर्सन हैज बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 ईयर्स, अब कौन से 5 घंटे वो निश्चित नहीं है, फॉर 5 ईयर्स। सीता 4 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ रही है, स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 4 डेज 4 ईयर्स सॉरी। सो सैम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, सैम हैज बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स तो कौन से 2 आवर्स है ना, वो निश्चित नहीं है। मैं 7 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर सिंस एयर, कौन से 7 घंटे है? ठीक है, तो ये रहा सिंस और इसका प्रयोग। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।